R6 मिरर है, ये देख सकते हो, और इसकी क्वालिटी देख सकते हो आप। इसका फिटमेंट जैसे आपका कंपनी का जो साइड मिरर आप फोल्ड कर लेते हो ना, वैसा फोल्ड होने वाला है आपका ये मिरर है। ये एग्जॉस्ट हमारा लगने वाला है और डीबी किलर के साथ है। इसमें बेस बहुत ही अच्छा है। ये अपना एकरा पोवी का है, डीबी किलर के साथ है। इसमें डीबी किलर से होता है कि आपको कम ज्यादा आवाज आप कर सकते हो। तो भाई ये अपना म्यूव का जो डीबी किलर के साथ है और ये अभी नया नया है। तो भाई आप अपने पहले R6 मिरर देख सकते हो हमारा, जो है ये है आपका जो जेन्युइन फिटिंग। जैसे कंपनी का हमारा मिरर हट गया और आपका ये लग गया, और जैसे आपका कंपनी वाला पहले फोल्ड हो जाता है ना, वैसे ही ये फोल्ड हो जाएगा। ये देख सकते हो फ्रेम स्लाइडर हमने लगाया ब्लैक कलर का। तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ एंड टफ राइडर एंड A to Z बाइक वर्ल्ड। आज है ना V4 में, जैसे R15 V4, उसमें मैं फुल मॉडिफाइड और फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगाने वाला हूँ। जो फुल एग्जॉस्ट सिस्टम में होगा कि आपको है पूरा कंप्लीट बैंड पाइप और एग्जॉस्ट वगैरह पूरा लगेगा, और डीबी किलर के साथ मैं एग्जॉस्ट लगाऊँ। पहले तो मैं आवाज सुना दूंगा जो, और लास्ट में जो लगेगा उसको तो मैं दिखाई दूंगा कौन सा एग्जॉस्ट हमने लगाया। और R6 जो मिरर लगाने वाला हूँ, ये देख सकते हो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और ये लाइट वाले आपको R6 मिरर है, ये देख सकते हो, और इसकी क्वालिटी देख सकते हो आप। इसका फिटमेंट जैसे आपका कंपनी का जो साइड मिरर आप फोल्ड कर लेते हो ना, वैसा फोल्ड होने वाला है आपका ये मिरर है। और यहाँ एडजस्टेबल भी है, जैसे एडजस्ट आप कर सकते हो यहाँ से आप R6 मिरर वगैरह। और इसमें जो मैं टेल टैडी लगाने वाला हूँ, ये देख सकते हो, ये टेल टैडी हमारा जो हमारा स्टॉक का जो इंडिकेटर है, वही स्टॉक वाले इंडिकेटर इसमें लग जाएगा, वो भी प्लग एंड प्ले। और नंबर प्लेट की लाइट भी इस पे लग जाती है कि आपको नंबर प्लेट वाले जैसे पुलिस वगैरह चलान काटते हैं वो नहीं होगा। और प्लस इसमें ये है बेनिफिट, ये एडजस्टेबल हमारा टेल टैडी है कि जितने पे हमारे को टेल टैडी चाहिए उतने पे आप टेल टैडी आप रख सकते हो आप। और जो हम लगाने वाले सीट काउल और फ्रेम स्लाइडर, वो भी मैं आपको फिटमेंट करने के बाद में दिखा दूंगा सीट काउल का, और जो भी है जितने भी एसेसरीज वगैरह हमारा लग रहा है सब चीज का। और जो हमारा एग्जॉस्ट जो लगने वाला है, ये देख सकते हो हमारा, ये एग्जॉस्ट हमारा लगने वाला है और डीबी किलर के साथ है। इसमें बेस बहुत ही अच्छा है। हमने तो ज्यादा बहुत गाड़ियों में जो निंजा 300 में और निंजा 650 में एग्जॉस्ट हमने लगाया, लेकिन आज मैं लगाने वाला हूँ V4 में। और फिटमेंट के बाद और आवाज भी मैं सुना देता हूँ आपको। चलते हैं पहले फिट करते हैं, फिर मैं दिखा। सो गाइस जो अपना जो V4 में अपना बैंड पाइप वगैरह लग के कम्प्लीट हो चुका है, देख सकते हो, जो आपको स्टेनलेस स्टील का बैंड पाइप हमारा लग गया वो, और हेड के पास से जो हेडर पूरा कम्प्लीट साइलेंसर जो होता है एग्जॉस्ट हमने खुलवा के, जो इसका पुराना वाला एग्जॉस्ट है वो मैं दिखा दूं कहाँ पे। ये देख सकते हो हमारा, ये पुराना वाला एग्जॉस्ट हमने पूरा कंप्लीट निकाल दिया और कंप्लीट बैंड पाइप के साथ मैं एग्जॉस्ट वगैरह लगा रहा हूँ। तो मैं एक एक करके आवाज सुना देता हूँ कि आपको कौन कौन सा एग्जॉस्ट आपको समझ में आता है, चाहे आवाज है इसलिए वीडियो में है, आप आवाज वगैरह सुन के आप पसंद कर सकते हो, मंगाना चाहो तो मंगा भी सकते हो। ये अपना एकरा पोवी का है, डीबी किलर के साथ है। इसमें डीबी किलर से होता है कि आपको कम ज्यादा आवाज आप कर सकते हो, इसमें आपको ऑप्शन होता है। अब मैं इसका आपको साउंड सुना दूँ आपको। तो भाई ये अपना म्यूव का जो डीबी किलर के साथ है और ये अभी नया नया है, मैं इसका भी साउंड सुना दूं, लेकिन ये है कि बेस साउंड में और डीबी किलर के साथ ये भी है, इसका भी आप साउंड सुन लो। तो गाइस ये है अपना यशिमुरो अल्फा, और इसका भी साउंड सुन लो, ये कार्बन फिनिश में है और आपका डीबी किलर के साथ है, इसका भी आप साउंड सुन लो। ये अपना आ गया लिविंसी का, इसका भी साउंड सुन लो। ऐसे तो फाइनल हमारा यही है एग्जॉस्ट लगाने का, लेकिन इसका भी आप साउंड सुन लो, और फिटमेंट के बाद मैं आपको दिखाई दूंगा कि हाँ अपना कैसा एग्जॉस्ट वगैरह का साउंड है। और फिटमेंट फिट होने के बाद जो एग्जॉस्ट का साउंड निकलता है वो बहुत प्यारा निकलता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब पूरा फिटमेंट हो जाता है तो कहीं से एयर वगैरह कुछ भी जैसे लीक करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसी वजह से साउंड वगैरह बहुत अच्छा निकलता है। अब इसका भी आप साउंड सुन लो। ये था अपना लिविंसे का, और इसमें जो डीबी किलर आता है ऐसा आता है, आप डीबी किलर में फिटिंग करते हुए दिखा देता हूँ और इसका आवाज़ भी सुना देता हूँ मैं। ये देख सकते हो आप हमारा ये डीबी किलर ऐसे लग जाता है। अब इसका भी आप साउंड सुन लो।
तो भाई ये था अपना एग्जॉस्ट का सारा साउंड, और फिटमेंट फिट होने के बाद मैं और भी क्या एक्सेसरीज वगैरह लगाया हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, और फाइनल होने के बाद एग्जॉस्ट कहाँ पे फिटमेंट हुआ है वो भी मैं दिखा दूँगा। अब चलते हैं, पूरा फाइनल होने के बाद मैं आपको सब चीज़ दिखाता हूँ। तो भाई जो अपना V4 है पूरा कम्प्लीट हो चुका है हमारा, और इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम आपको R6 मिरर हो गया, और आपको पीछे का टेल टेड ही है, और आपका सीट कॉल वगैरह जो हमारा जो लग के पूरा कम्प्लीट हो गया था, लेकिन सीट कॉल हमने हटा दिया, बाद में लगेगा। अब पहले मैं दिखा दूँ क्या क्या लगाया। पहले R6 मिरर देख सकते हो, तो गाइस आप अपने पहले R6 मिरर देख सकते हो हमारा, जो है ये है आपका जो जेन्युइन फिटिंग, जैसे कंपनी का हमारा मिरर हट गया और आपका ये लग गया, और ये इसके साथ ये फोल्ड भी हो जाता है, जैसे आपका कंपनी वाला पहले फोल्ड हो जाता है ना, वैसे ही ये फोल्ड हो जाएगा। ये बिल्कुल समझो कि कंपनी फिटमेंट है, और इसमें एडजस्टेबल ये ग्लास भी हमारा एडजस्ट हो जाता है, जैसे अपना आपको पीछे का जैसे देखना है तो आप एडजस्ट करके देख सकते हो, और इसमें इंडिकेटर भी है, जैसे आप इंडिकेटर जैसे राइट का लेते हो तो राइट का, लेफ्ट का लेते हो तो लेफ्ट का, हमारे पास ये इसमें दोनों आपको ऑप्शन है। और आपका जो प्लेसर है 4x4 का वो भी आप इससे जला सकते हो। और जो हमने लगाया है फ्रेम स्लाइडर, ये देख सकते हो फ्रेम स्लाइडर हमने लगाया है ब्लैक कलर का लगाया है, और ये बस एक तरीके से जो ये फ्रेम स्लाइडर जो है लुक के लिए ज़्यादातर होता है, और अगर आपको जैसे अगर बचाने के लिए अगर लगाना हो, चाहे आपको अगर ये जैसे होता है ना गिरने पे हमारा पैर वगैरह बच जाए, तो उसके लिए आप मेरे हिसाब से क्रैश गार्ड लगवाओ तो सबसे बेटर होता है। स्लाइडर में उतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन क्रैश गार्ड लगाने पे है ना पूरा फुल बेनिफिट, इससे आपको फ़ायदा भी आपको मिलना है। और मैं जो टेल टेडी लगाया वो भी मैं दिखा दूँ, जो टेल टेडी हमारा कैसा है। ये टेल टेडी हमने लगाया है एडजस्टेबल टेल टेडी, एडजस्टेबल भी है, और इसमें हमने स्टॉक वाले इंडिकेटर ही लगाया है। स्टॉक इंडिकेटर में होता है कि जैसे होता था कि पहले टेल टेडी लगाने के बाद हमारा जो है इंडिकेटर वगैरह चेंज करना पड़ता था, अब इसमें है कि आपको इंडिकेटर वगैरह चेंज नहीं करना पड़ता, जो भी है आपका स्टॉक का इंडिकेटर होता है वही लग जाता है हमारा, जो देख सकते हो इसके फिटमेंट वगैरह। और इसमें एडजस्टेबल है, जैसे एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आपको इतने पे रखना है ये रख लिया और ऊपर करना है तो और ऊपर भी कर सकते हो, इसमें सारे ऑप्शन है। और जो मैं लास्ट में मैं दिखा दूँ कि हमने जो एग्जॉस्ट लगाया उसका, ये एग्जॉस्ट हमारा ये पूरा फुल फिटिंग हो चुका है, ये देख सकते हो पूरा फिटमेंट हो गया हुआ है, ऐसा लगेगा कंपनी से ही लग के आया हुआ फिटमेंट वगैरह, और ये कलर वाइज इसका जैसा है वैसा हमेशा रहेगा, ये ऐसा एग्जॉस्ट ये फर्स्ट कॉपी है, लेकिन ये समझो ओरिजिनल के टाइप का काम करेगा पूरा। और मैं इसका साउंड अब सुना दूँ, आपने तो सारा साउंड सुन ही लिया, अब जैसे बेस में भी सुन लिया, अब नॉर्मल भी आप जैसे डीबी क्लियर लगा हुआ है हमारा उसमें भी आप साउंड सुन लो आप। ये था मेरा V4 का पूरा जो मैंने मॉडिफाइड किया है, बाकी और भी मॉडिफाइड देखना हो तो मेरे चैनल पे ही चेकआउट करके आप दूसरा वीडियो देख सकते हो, उसमें सारा वीडियो वगैरह हमारा फुल मॉडिफाइड का भी डला हुआ है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉडिफाइड के साथ। बाय बाय।